सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? भाई आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आज के वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस आप सभी लोग बास्टर जो होता है, जो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन होता है, कैप्चा रिसॉल्वर जो होता है, वो आप सभी को पता है, ऑलरेडी आप सभी लोग यूज़ कर ही रहे हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो सब कुछ गूगल का जो रिकैप्चा होता है उसको ही सॉल्व कर पाता है। लेकिन कभी भी कोई भी वेबसाइट, जैसे कि हो गया आधार का वेबसाइट हो गया, आपका जो CSE का वेबसाइट हो गया, या फिर और का मतलब जितने भी वेबसाइट में आपका जो इमेज कैप्चा देता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि बास्टर काम नहीं करता है। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो उसी के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर है। और आज के वीडियो में आप सभी को भाई वही जितना भी टाइप का कैप्चा है उसी कैप्चा को मैं आज आप इसी वीडियो में आप सभी को सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है वीडियो को कमेंट कीजिए, ताकि आप सभी को और कैसे इसमें इम्प्रूव क्या क्या चाहिए आप मुझे पता चल सके। ठीक है, तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और कैसे क्या करना है, कैसे मतलब आपको कहाँ से कैप्चा का कैसे सोल्यूशन होगा, क्या करना होगा, कौन सा एक्सटेंशन लगेगा या फिर कोई सॉफ्टवेयर लगेगा, क्या लगेगा, ए टू जेड वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और वीडियो को जो भी लोग भाई तुरंत देख के तुरंत कुछ भी डाउनलोड करके लिंक पर चले जाते हैं, गाइस थोड़ा सा सब्र रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस पहले मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, क्योंकि मतलब जितना भी कुछ कुछ मैं वेबसाइट ओपन करके रखा हूँ, ठीक है, उसको मैं रिफ्रेश करके आप सभी लोग को पहले दिखा देता हूँ कि कैसे मतलब कैप्चा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितना भी इमेज कैप्चा का वेबसाइट है, मैक्सिमम तो आज तक मतलब मैं देख चुका हूँ, आप सभी लोग क्या करते हैं कि भाई जो भी क्रोम में मतलब यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब जो बस्टर होता है वो क्रोम में ज़्यादातर मैक्सिमम अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन ये जो मतलब सॉफ्टवेयर है या फिर एक्सटेंशन है जो भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, इसमें क्या है कि भाई आपका मोजिला हो जाए, या फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोर हो जाए, या फिर आपका क्रोम हो जाए, क्रोम में एक या दो प्रोफाइल कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई भी इसका लिमिटेशन नहीं है। आप कोई भी ब्राउजर में खोल जाओ भाई, ये गारंटेड 100% काम करने वाला है। ठीक है, तो गाइस पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ डेमो मतलब आपको दिखाता हूँ, कोई मतलब आधार का साइड में दिखाता हूँ, या फिर CSE का साइड दिखाता हूँ, या फिर जो फॉर्म का साइड में दिखा देता हूँ। हाँ, और एक चीज़ है कि ये जो वीडियो है गाइस, ये ओनली PC यूज़र के लिए है या फिर लैपटॉप यूज़र के लिए है, ये मोबाइल यूज़र के लिए नहीं है। अगर मोबाइल यूज़र आप यूज़ करना चाहते हो इस ट्रिक को, तो उसके लिए आपको जो क्यूई ब्राउज़र होता है, या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि मतलब एक्सटेंशन या फिर जो सॉफ्टवेयर सपोर्टेड जो होता है, ठीक है, सपोर्टेड ब्राउज़र होता है, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि जो वेबसाइट में मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस मैं जो आधार का वेबसाइट में पहले उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो लॉगिन करने के बाद हमारा जो आता है, मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जो आधार में हम पहले लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करने के टाइम पे आपको कैप्चा मांगा जाता है। ठीक है, तो ये जो कैप्चा है ऊपर में आपको दिख रहा है एंटर आधार के नीचे, ठीक है, ये सॉल्व करके देगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है कैप्चा के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सॉल्व कैप्चा के ऊपर जो डाउनलोड विथ आइडियम आपको दिख रहा है, उसके नीचे जो सॉल्व कैप्चा लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सॉल्व कैप्चा के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद आपको एंटर एबव कैप्चा, उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कैप्चा के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो आपके सामने ही कैप्चा सॉल्व हो गया, बस दो ही क्लिक में। गाइस और क्या बताऊँ, इससे आसान आपको और कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर या फिर एक्सटेंशन हो गया कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसे आप सामने ही मेरे सामने ही देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही मैंने दो क्लिक किया, एक क्लिक में सॉल्व किया, एक क्लिक में कैप्चा पेस्ट किया, भाई तुरंत यहाँ पे कैप्चा फिल हो गया। ठीक है, और ये तो रहा मतलब आधार का लॉगिन वाला पेज। मैं बहुत सारा साइट आपको दिखाने वाला हूँ और उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो गाइज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और गाइज़ आप सभी से और एक ही रिक्वेस्ट है कि गाइज़ आप लोग 90% लोग जो होते हो भाई आप मुझे सपोर्ट नहीं करते और मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके लिए भाई बहुत कुछ ढूंढ ढूंढ के आपके लिए मैं लाता हूँ, तो इसके लिए आप प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो गाइज मैं दूसरे जो आधार का ही है, आधार जो डाउनलोड पेज में होता है ना, आधार का जिसमें हम आधार डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे भी आपका कैप्चा मतलब होता है, तो उसको भी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो हमेशा आपको ये प्रॉब्लम आता है जब भी आपको मतलब कंफ्यूज होता है कि मतलब जो जीरो आता है और ओ आता है, इस टाइप के कैप्चा में आपका प्रॉब्लम होता है कि ये सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, आप जीरो समझ के ओ डाल देते हो, मतलब अगर वो कैप्चा ओ होगा और आप जीरो समझ के उसको जीरो डाल दिया, ठीक है, तो उसमें आपका प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे भी भाई ये जो एक्सटेंशन है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सॉल्व कैप्चा के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो एंटर कैप्चा है, एंटर कैप्चा के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे
पेस्ट कैप्चा के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका देख सकते हो यहाँ पे भी वही दो क्लिक में आपका कैप्चा भाई सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे भाई पूरा पूरा भाई कैप्चा तुरंत ही सॉल्व हुआ भाई, यहाँ पे और कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो थोड़ा लोडिंग लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुरंत कैप्चा सॉल्व हुआ, ठीक है। तो गाइस दूसरे साइड में चलते हैं, जो आधार का जो वेरीफाई मोबाइल रहता है मतलब, तो जिसमें भी आपका मोबाइल नंबर लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है वो आप देखते हो, वहाँ पर भी हम देखते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो कैप्चा है, यहाँ इस पहले तो पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो पेज है हमारा वो रिफ्रेश हो गया है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ कैप्चा के ऊपर, राइट क्लिक करने के बाद सॉल्व कैप्चा के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एंटर कैप्चा के ऊपर मैं पेस्ट करता हूँ। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे भाई कैप्चा तुरंत ही सॉल्व हो गया। और भाई आधार का और एक जो होता है जनरेट वी आई डी, तो ये ऑलरेडी आप मैं आपको तीन दिखा चुका हूँ, तो ये दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ही इसको ट्राई कर लेना। तो फिलहाल मैं अभी चाहता हूँ जो डिजिटल सेवा होता है, सीसी का पेज होता है जिसमें आप लॉगिन करते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रेडेंशियल है इसको मैं भाई ब्लर कर दिया हूँ, तो थोड़ा सा कोई इशू मत ये करना, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले मैं इसका जो ये है आप कैप्चा है, कैप्चा के ऊपर राइट क्लिक करके सॉल्व में क्लिक करना है, सॉल्व में क्लिक, अरे हाँ रुक जाओ, हाँ इसमें वो रिलोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कैप्चा के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंटर कैप्चा के ऊपर आपको यहाँ पे वास्ट पेस्ट करना है। आप देख सकते हो आपके सामने ही भाई कैप्चा सॉल्व हो गया, ठीक है भाई, तुरंत 2 सेकंड में आपका कैप्चा सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। और आप लोग जो भी भाई मतलब इसके ऊपर और अगर वीडियो बनाना हो तो आप वो भी बोल सकते हो, और कोई आपके वेबसाइट सजेस्ट में है तो वो भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, वो भी डाल देना आप सभी लोग, ठीक है। तो और एक जो चीज़ होता है जो सीएससी का होता है, हमारा जो पीएम दिशा का प्रोजेक्ट होता है, तो उसके ऊपर भी कैप्चा अभी आने लगा है एयर स्टूडेंट पे, वहाँ पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे मतलब कैप्चा सॉल्व होगा क्या होगा। तो यहाँ पे भी मैं पहले एयर स्टूडेंट पेज में जाता हूँ, देखता हूँ, अरे ये लॉग आउट हो गया है। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये ऑलरेडी लॉग आउट हो गया है। तो गाइस अगर कोई मतलब सीएससी में काम करता है तो इसके ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसको भी मैं अब यहाँ पे स्किप करता हूँ। और उसके बाद आता है हमारा जो यूटीआई का जो ट्रैक सिस्टम होता है, पान कार्ड का जो ट्रैक सिस्टम होता है, उसको भी हम मतलब चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैप्चा होता है, मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कैप्चा चेंज होकर आ गया है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद सेव सॉल्व कैप्चा के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा का बॉक्स होता है जहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना पड़ता है, वहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे पेस्ट कैप्चा के ऊपर क्लिक करना है। देख सकते हो यहाँ पे भी वही भाई जो एक्सटेंशन है पूरा एकदम 100% गारंटेड तरीके से काम किया भाई, पूरा तुरंत 1 सेकंड में आपका कैप्चा जो है वो सॉल्व करके दे दिया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इतना सारा डेमो आपको दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे अभी भाई हम आप सभी को बताने वाले कि कैसे मतलब ये जो ट्रिक है ये कैसे काम कर रहा है, ये जो एक्सटेंशन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो गाइज ये तो एक्चुअली पूरा का पूरा एक्सटेंशन ही है और इसको बाय करना पड़ता है, थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन आप सभी को मैं बता दूँ आप सभी के लिए मैं बहुत ही कम प्राइस में जो इसका एफ आई की वगैरह होता है वो मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। और आप डायरेक्ट मुझसे बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हो सबसे कम प्राइस में। आपको वहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे ना तो आपके आपको दिख जाएगा कि मतलब कितना प्राइस है। तो ज़्यादा इशू का कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है, ठीक है। ये सबसे लोएस्ट प्राइस है। और ये जो डाउनलोड मतलब ये करने के बाद लिंक में अगर आप बाय करते हो, बाय करने के बाद आपको एपीआई का मेल और की मिल जाएगा, वहाँ पे जैसे ही मिलेगा आप यहाँ पे लोड करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी हम देखने वाले हैं कि इसको कैसे लोड करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। और लोड करने के बाद भी मैं और एक बार आपको साइड में आपको दिखा दूंगा कि सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं दूसरे एक जो क्रोम का वर्जन होता है, क्रोमियम वर्जन, उसमें मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे हम लोड करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या करना है कि गूगल में आपको टाइप करना है ट्रू कैप्चा, ठीक है, TRUECAPTCHA, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो जैसे ही मतलब ट्रू कैप्चा टाइप करोगे, टाइप करने के बाद जो फास्ट वेबसाइट आ जाएगा truecaptcha.org, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ट्रू कैप्चा में आपको होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे जो होता है आपका जो क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ब्राउज़र एक्सटेंशन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोम के लिए चाहिए तो क्रोम में क्लिक करना, यहाँ पे आपको फायरफॉक्स के लिए चाहिए तो फायरफॉक्स के लिए क्लिक करना, ठीक है।
मोजा मतलब मोजिला ब्राउज़र के लिए, और अगर आपको यहाँ पे चाहिए मतलब जो क्रोम का ओल्डर वर्जन है उसके लिए, तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं। और बाकी जो जो हमारा हो गया तुम्हारा जो ये होता है ना पुराना वाला जो स्टार्टिंग में ही मतलब अभी जो विंडोज 10 हो गया या फिर विंडोज जो 11 हो गया वो स्टार्टिंग में ही दे रहा है, मतलब ये जो हमारा तो टेम्प्रेरी मतलब ब्राउज़र हो गया, जैसे कि सेकंड ब्राउज़र हो गया, हम इसको इंस्टॉल करते हैं क्रोम को, तो उन सब में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की नहीं है। जो इंटरनेट एक्सप्लोर वगैरह होता है उस टाइप का, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रोम में आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्रोम में क्लिक करोगे जो एक्सटेंशन का ऐड करने का ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड टू क्रोम में क्लिक करता हूँ, जैसे ऐड टू क्रोम में क्लिक करूँगा हमारा एक पॉपअप आ जाएगा ऐड टू एक्सटेंशन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपका जो कैप्चा है वो मतलब कैप्चा का जो एक्सटेंशन है वो लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट को मैं फ़िलहाल अभी क्लोज कर देता हूँ। हाँ, तो कैप्चा का आ गया, अभी फ़िलहाल ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हो यहाँ पे यूज़र नेम और एपीआई चाहिए, ठीक है। अगर यूज़र नेम और एपीआई नहीं होगा तो गाइस आपका ये जो कैप्चा है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो गाइस इसके लिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, सबसे कम प्राइस में, ऐसा नहीं कि भाई मतलब 2000-3000, सबसे कम प्राइस में सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको एपीआई की मिल जाएगा। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे लिंक में क्लिक करके आप ले सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो गाइज़ जो लिंक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैं दिया हूँ वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे जो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, कार्ट में आपका ऐड हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि आपका जो मेल है मेल डालना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है, नाम डालना है और व्हाट्सअप नंबर डालना है। इतना डालने के बाद जैसे ही पेमेंट करोगे आपका जो कैप्चा का एपीआई है, एपीआई आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जो उसका मेल है मेल वगैरह सब कुछ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, कोई इशू का दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा आप उसको यहाँ पे फीड करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो हमारा दूसरा क्रोम है वहाँ से मैं कॉपी करके ये कर लेता हूँ। तो गाइस हमारे जो यूज़र मेल है वो कॉपी हो गया, अभी फिलहाल एपीआई की यहाँ से हो जाएगा। तो गाइस जब भी अगर आप पेमेंट करके डाउनलोड कर रहे हो तो इतना ध्यान में रखना गाइस कि जो मेल है वो मेल पे जगह ही रहे और जो एपीआई है वो एपीआई जगह ही रहे, नहीं तो अगर अपना मेल सोच के अपना मेल डाल दोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमारा हो गया है कैप्चा, जो यूज़र नेम है और एपीआई है वो ऑलरेडी हो गया है, तो मतलब हमने लोड कर दिया है। फिलहाल अभी हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे वही आधार या फिर यूटीआई में चलते हैं, यूटीआई पैन ट्रैक में चलते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, हाँ कैप्चा आ गया है, कैप्चा के ऊपर आप क्लिक करके सॉल्व कैप्चा के ऊपर क्लिक करते हैं। और फिलहाल यहाँ पे जैसे ही पेस्ट कैप्चा करेंगे आप देख ही सकते हो गाइस यहाँ पे आपका जो है आ गया है, ठीक है, यहाँ पे कैप्चा आ गया, ठीक है। तो गाइस अगर आपको मतलब सॉल्व करने में कोई भी कैप्चा दिक्कत आ रहा हो, आपको प्रॉब्लम हो, तो भाई ये सबसे बेहतर मौका है, सबसे मज़ेदार वीडियो है गाइस, ये वीडियो को लाभ उठाओ, ठीक है भाई। इतना 100 रुपये से और भी कम में आपको क्या मिल सकता है गाइस, ठीक है। तो आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से देख के आप ले सकते हो, और वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मज़ेदार है भाई भाई, इतने कम प्राइस में आपको इतना मतलब अच्छा सर्विस मिल रहा है और क्या ही बताऊँ। तो गाइस वीडियो को पूरा भाई वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, और एपीआई कैसे क्या बाय करना है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और वीडियो को लाइक कर दो गाइस। और एक बात लास्ट में बोलूँगा, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।